कि आपको क्या नाम है और जी मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मिश्र है। जी मैं आदर्श कॉलोनी खटीवा का, थोड़ा आवाज तेज में बताएंगे। जी आदर्श कॉलोनी खटीवा रहता हूँ। जी मैं ये बहुत सालों से थी, मतलब 25-30 साल से। जी क्या क्या परेशानी होती थी आपको? कोई बैठने में झुंझला रहती थी, मतलब गद्दे में नहीं सुनता था, गद्दे में सो नहीं सकते थे, नहीं सुनता, झंझनाहट वगैरह होती थी, दर्द की समस्या होती थी 25-30 सालों से। 25-30 सालों से ठीक है। धीरे धीरे बढ़ती गई, फिर क्या कहते हैं, मैंने इधर सुशुराती वाली में भी दिखाया तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी चला भी गया था, 2 बार गया मैं, एक बार ऑपरेशन करने के लिए चला गया था, डॉक्टर वहाँ से कहीं दूसरी जगह चले गए, दूसरी उसमें रुद्रपुर आ गए, उसमें अगली सीन में जी डॉक्टर नवीन अग्रवाल था उनका नाम, ऑपरेशन करने के लिए गए, मैंने मना कर दिया, मेरे साथ में नहीं करूँगा। ठीक है, नहीं ऑपरेशन से पहले हमें एक बार पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं और जरूरी नहीं है कि आप उसके बाद ठीक हो जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर हम नेचुरली अपने आयुर्वेद से ठीक हो सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं कि हमारी ओरिजिनल चीज हमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। इनकी नस दबी हुई थी, हर जगह बड़े बड़े सेंटर पे इनको बताया गया कि इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसकी ऑपरेशन ही एकमात्र चिकित्सा है, और ठीक भी है उनकी चिकित्सा पद्धति में ऐसा है भी, लेकिन आयुर्वेद में क्या है, वो अंतिम सांस तक पीछा नहीं छोड़ता है, अंतिम सांस तक कोशिश करता है। आपके सामने साक्षात हैं, 25-30 साल से प्रॉब्लम थी इनको और काफी बेटर है, करीब 90% बता रहे हैं है, बहुत ज्यादा फायदा है। लेकिन जो मैं चलने में परेशानी होती थी, क्या पता है पैरों में झुंझनाहट आती थी, वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही है, मतलब काफी बेटर है। और हमने बताया भी है कि आयुर्वेद ने कम से कम 3 सीटिंग उनको बताया है कि कम से कम 3 सीटिंग करेंगे, 2 सीटिंग उन्होंने ले ली हैं और काफी आराम है, और जब अपनी दवाइयाँ खाते रहे और फिर 3 सीटिंग जब आप उनके पास टाइम हो 1-2 महीने में तब आपने करा सकते हैं, उससे क्या होगा और बेटर। तो हम अगर नेचुरली अपनी चीज को बचा लेते हैं, इससे अच्छा हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन से एक समस्या हो सकती है दूर हो, लेकिन दूसरी नई समस्या पैदा हो जाएगी, ये सबसे बड़ा। और हमारा नेचुरली हम सीख हो जाए तो हमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और यही आदमी गलती करता है कि हम अपनी आयुर्वेद पद्धति को पहले आना चाहिए, है ना, ये हमेशा करें, क्योंकि हमारी मातृभूमि है, हमारी भारत की चिकित्सा पद्धति है, और इसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आकर्षण हो रहा है, और मोदी जी का भी, रामदेव जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि हम लोगों को बताया कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है। लोगों को कोई गलती नहीं, उनको क्या पता है, उनको तो इलाज चाहिए और ठीक होने से मतलब है, है ना, और सही पद्धति होना चाहिए जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, इससे तो जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। अंकल जी को धन्यवाद कह रहे हैं कि हमारे इतने विश्वास किया उन्होंने, है ना, सही बात। ठीक है, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जो एक्सरसाइज बताई है, जो दवाइयाँ बताई है, थेरेपी का आपने जैसे पालन किया वैसे करते रहे, है ना। ठीक है अंकल जी, जी चलिए ठीक ना।